हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों? क्या ही होप कि आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। तो स्वागत है आपका एक और नई यूट्यूब की वीडियो में, और आज हम खेलने वाले हैं 2K24 बैकलैश। क्योंकि रियल लाइफ में भी बैकलैश आज हुआ है, तो मैं सोच रहा था क्यों ना हम गेम में भी अपने मैच करें। और पहला मैच होने वाला है कोडी रोड्स वर्सेस एजे स्टाइल, और वो होगा अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन के लिए। अब एजे स्टाइल कितने, ओके एजे स्टाइल कर लिया है, अरीना बैकलैश वाला हमने सेलेक्ट कर लिया, टाइटल मैच कर देते हैं ऑन। अभी मैंने ऑफ क्यों कर दिया, ऑन। और चैंपियनशिप पर करें क्लिक। तो मैं सोच रहा हूँ ना कस्टम मैच कर जो फिनिशर हैं वो कम से कम दो ऐड कर दें यार। हाँ, दो फिनिशर और करते हैं एक्सेप्ट। अरीना कर दिया चैंपियनशिप, तो वो ही होगी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। तो ये रही अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन, जो कि करंटली हैं कोडी रोड्स। सब कुछ ठीक ही है। ओके, एजी स्टाइल का 85 है ओवरऑल, और कोडी रोड्स का है 93। अभी चलते हैं आराम से मैच की तरफ। तो मैच स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, बाकी वीडियो जाकर भी चेकआउट कर सकते हो, प्ले लिस्ट बनी हुई है डिफरेंट डिफरेंट गेम्स की। तो अभी चलते हैं सीधे मैच की तरफ भाई। समानता का पहले सुनेंगे हम अनाउंसमेंट, WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो पहले कौन आएगा, एजे स्टाइल्स आएंगे या कोडी रोड्स? ओके, एजे आ रहे हैं। ये भाई, तो म्यूजिक मैंने ऑफ किया हुआ भाई कॉपीराइट्स की वजह से, क्योंकि मैंने सुना है कि WWE वाले सोनर और लेटर वो कॉपीराइट्स भेजते ही हैं, तो इसलिए भाई ये मैच रियल लाइफ में तो बहुत बड़ा गया था, मतलब बड़ा कि जेन्युइन जितना होना चाहिए, अच्छी लेंथ का मैच था। इसको स्किप करते हैं, देखते हैं गेम में क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि इनको दो दो फिनिशर्स दिए हुए हैं और आने के साथ ही एजे स्टाइल या कोडी रोड्स दोनों में से कोई स्क्वाश ही कर जाए मैच भाई। और कोडी रोड्स की एंट्रेंस देखेंगे कि बेल्ट के साथ आते कैसे हैं, अमेरिकन नाइट मेयर। आ जाओ कोडी भाई, क्या ही क्राउड पागल हो रही है। ये भाई कोडी, एक बार सामने से बेल्ट देख लें और उसके बाद करेंगे स्किप। यार बेल्ट मैं न्यू वाली सिलेक्ट करता हूँ, पता नहीं क्यों, जब भी ये मैच में लेकर आते हैं तो पुरानी बेल्ट दिखती है, स्किप करते हैं। कमेंट में बताना अगर किसी को मालूम होगा। ओके, तो मैच करते हैं स्टार्ट। कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है गेम में कौन जीतेगा, कोडी या एजे? ओके भाई, आते ही क्रॉस रोड्स मुझे लगा ही था कि ये स्क्वैश नहीं कर दे, बट इतनी जल्दी पिनफॉल तो नहीं होना चाहिए। ओके, किक आउट भाई, आते ही क्रॉस रोड्स भाई, कोडी छुपल उस निकले भाई, टाइम नहीं खराब करा। दूसरा क्रॉस रोड्स भाई, कोडी रोड्स कर रहे हैं स्क्वैश आज का मैच भाई। क्या मैच खत्म होगा अबे, मुझे लग रहा है मैच खत्म। नहीं नहीं, अभी करना तो किक आउट चाहिए, क्योंकि इतनी पिटाई हुई नहीं है अभी एजे स्टाइल्स की, बट हेड येलो हो गया है और कोडी कर रहे हैं हेड पर ही वार। और भाई खून निकाल दिया, हेड हो गया ऑरेंज। तो अभी भी हेड पर ही मार रहे हैं कोडी। ओके, मंकी फ्लिप लगा दिया भाई, मुझे इसका नाम नहीं पता था, थैंक्स टू कमेंटेटर्स, फिर से मंकी फ्लिप। तो भाई एजे के पास अभी भी दो फिनिशर हैं, एजे कुछ तो रिवर्स करो। ओके, बट यार एजे स्टाइल मुझे तो लग रहा है इस हिसाब से मैच हार जाएंगे। एजे फिनिशर लगाओ भाई, भाई एजे फिनिशर देते हुए, बट नहीं पिनफॉल नहीं होगा भाई अभी। और रेजिलेंसी कोडी के पास भी नहीं है और ना ही एजे के पास है। ओके, कोडी किक आउट करें, कोडी का सिग्नेचर आने वाला था बट उन्होंने वो पावर यूज कर ली। एजे अभी भी आपके पास भाई, एजे के पास अभी एक और फिनिशर है मेरे हिसाब से तो लगाना चाहिए। ओके,
टांगों पर अटैक कर रहे हैं। कोडी नीचे गया भाई। ये चीज़ टूके ने बढ़िया ऐड किया कि जैसे लोग जो भी बोलते हैं, जैसे अभी भी आप लोगों ने सुना होगा था कि यूज़ द बॉस यू आर द बॉस। ओके तो एजे टांगे भी कर रहे हैं क्योंकि एजे भाई रेफरी काउंट कर रहे हैं, कहीं काउंट डाउन मत हो जाना, काउंट डाउन से भी कोडी कोड सी जीतेंगे। ठीक है, तीन होते होते अंदर आ गए, ये बात बड़ी है। काउंट डाउन मैंने रखा हुआ था। दस का तो मुझे यह था कि ऐसा ना हो कि ये वो कर दें भाई। कोडी ने एबिलिटी यूज कर कर फिनिशर ले आया है कोडी रोड्स। भाई एजे स्टाइल्स हारने वाले हैं मैच, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। और भाई क्रॉस रोड के लिए फिर से कोडी रोड्स जाते हुए। Cody Rhodes has himself a crossroads, a championship level move. Is it enough? The one, two, three. भाई ये तो Cody Rhodes ने जीतना ही था। भाई AJ ने दूसरा फिनिशर ही नहीं लगाया तो भाई अपनी बेल्ट रिटेन कर ली है Cody Rhodes ने। तो Cody Rhodes कंग्रेचुलेशंस, गेम में भी और रियल लाइफ में भी आपने अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लिया। और अभी बढ़ते हैं बैकलैश के दूसरे मैच की तरफ जो होने वाला है। कमेंट में बताओ कौन सा मैच होगा। वो होगा डेमियन प्रीस्ट वर्सेस जिमी उसो। सॉरी जिमी यूसो बोल रहा हूँ भाई, जे यूसो के साथ है मैच। माय बैड भाई, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ दोनों भाइयों में, बट ठीक है, जे यूसो के खिलाफ है। ओके डेमियन प्रीस्ट का ओवरऑल 86 है और जे का कितना है भाई। जे यूसो के पास रेजिलियंसी भी है और ओवरऑल 90 है। रिंदा वगैरह तो सिलेक्ट कर लिया है, चैम्पियनशिप बस सिलेक्ट करनी है। और चैंपियनशिप होगी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के मैच के लिए। वैसे तो रियल लाइफ में डेमियन प्रीस्ट ने रिटेन कर लिया अपनी बेल्ट, बट भाई जजमेंट डे की हेल्प से ही कर पाए, वरना मैच तो आज जिमी जीत ही चुका था। इंट्रोड्यूसिंग द चैलेंजर तो ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते भाई, स्किप कर कर सीधे मैच स्टार्ट करते। अबे यार मैं फिनिशर देना ही भूल गया, तो ये मैच थोड़ा लंबा चलेगा। ओके तो डेमियन प्रीस्ट ने मोमेंटम अपनी तरफ बिल्ड किया और क्राउड बू कर रहा है भाई, क्योंकि गेम में भी डेमियन प्रीस्ट ही सुपरस्टार हैं और जे फेस सुपरस्टार हैं। और ये भाई रेसलमेनिया वाले ही अटायर में है जे उसे, क्योंकि भाई जे अटायर मिला ही नहीं। और इसमें भाई मैं आप सब लोगों को बता दूं कि इंटरफेरेंस ऑन है, तो जजमेंट डे का कोई भी बंदा हेल्प करने आ सकता है मैच में। बाकी देखते हैं कोई आता है कि नहीं आता, जरूरी नहीं आएगा, ये भी जरूरी ना आए, बट अगर किसी के आने से भी हारते तो रीमैच नहीं होगा। ओके तो जे अभी अपनी तरफ मोमेंटम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके तो डेमियन ने अपनी पावर यूज कर ली इंस्टेंट रिकवरी के लिए। तो भाई जिस हिसाब से जे को कुछ मिल रहा है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, मेरे हिसाब से यार उसको वर्ल्ड हैवीवेट या इंटरकॉन्टिनेंटल दोनों में से कोई एक टाइटल तो जितना ही गई डब्ल्यूडब्ल्यूई। और भाई बनता भी है यार, ऑडियंस अभी पूरा जे का साथ दे रही है। जिन लोगों ने आज मैच देखा होगा भाई, एंट्रेंस देखने वाली थी जे की भाई, हीट के साथ क्या ही सारे लोग खुश थे भाई, बहुत ज़्यादा हाइपर थे, बढ़िया तरीके में हाइपर थे। ओके कॉर्नर में क्लोज और जे ने भी यूज़ कर ली इंस्टेंट रिकवरी, बट कोई फ़ायदा इतना। ओके रिवर्सल कर दिया है
जे भी ना, नहीं अभी तो नहीं पिनफॉल होगा ये, पर ही किक आउट कर दिया, मुझे लग ही रहा था कि एक पर ही अभी किक आउट कर देंगे प्रिस्ट। तो जो जजमेंट डे में भी हो रहा है ना, मुझे लग रहा है कि क्योंकि मामी भी नहीं है, जजमेंट डे में भी जल्दी ही लड़ाई वगैरह हो सकती है। मुझे लगता है कि जजमेंट डे अभी ब्रेक होगी। ओके भाई फंसा कर पिनफॉल होना तो नहीं चाहिए। वाह ओके एक पे ही किक कर दिया भाई डेमियन। अभी थोड़ा सा पीट तो लो जे को, और डेमियन का सर ऑरेंज है और जे की बॉडी येलो। ओके तो जे नीचे चला गया है और डेमियन ऊपर से जंप करेगा, मुझे लगता तो नहीं है के अंदर आ गया। ओके सुपर किक लगा दिया भाई, भाई ऑरेंज कर दिया बॉडी भाई। जे की पिटाई ज्यादा हो रही है, इस हिसाब से तो डेमियन भी जीत जाएगा। डेमियन के पास भी सिग्नेचर आने वाला है जे के पर। ओ जे ने तो यूज कर ली पावर भाई इंस्टेंट रिकवरी के लिए। स्मॉल ड्रॉप नहीं भाई, पिनफॉल तो नहीं होना चाहिए, पर डेमियन की बॉडी भी अलग है भाई। ऐसे पिनफॉल करवा रहा था डेमियन। ओके कॉर्नर में जा रहे हैं डेमियन, तो भाई उल्टा लटका दिया भाई, उल्टा लटका कर नहीं मार रहे भाई पेट पे। क्या बात है भाई, जे यूसो मैच जीतने के इरादे से आया हुआ है आज, बट सिग्नेचर है डेमियन के पास, थोड़ा सा जे को बचकर रहना पड़ेगा। ओके भाई बैक भी ऑरेंज कर दी है सर के साथ साथ, और स्टन करने वाला है जे अगर ऐसे मारता रहा। और डेमियन ने रिवर्सल नहीं किया तो ओके रिवर्स कर दिया वरना स्टन हो जाता है भाई। सिग्नेचर लगाना, डेमियन सिग्नेचर लगाएगा। ओके सिग्नेचर लगाने वाला था बट सिग्नेचर रिवर्स कर दिया है भाई। जे लगा दे, मुझे लगा था कि जे लगाएगा सिग्नेचर, जगह सिग्नेचर सुपर किक है ना। कमेंट में बताना भाई ये कर क्या रहे हैं दोनों जहाने, अपने सिग्नेचर वाली पावर इंस्टेंट रिकवरी के लिए यूज़ कर रहे हैं। ओके तो भाई स्टन है डेमियन ऊपर से, भाई रिवर्स नहीं कर पाएगा। और स्प्लैश अच्छे से मेरे हिसाब से तो कनेक्ट नहीं हुई, और अभी आर्म्स डैमेज कर रहे हैं जे डेमियन की तरफ से। बस भाई अंदर चले जाओ, तीन हो गए। ओके डेमियन भाई बंदा अच्छा है, जे को अंदर पुश कर दिया, और अभी दोनों के पास फिनिशर आने वाला है, कम से कम फिनिशर तो लगाएंगे। ओके नहीं भाई पिनफॉल तो नहीं होना चाहिए अभी। वन हाँ मुझे लग ही रहा था कि अभी नहीं पिनफॉल होगा। ओके निकाल दिया जेगा, और टॉन्ट करते हुए डेमियन प्रीस्ट जे उठ रहा है, जे सिग्नेचर। अबे नहीं यार, तो डेमियन के पास फिनिशर आ चुका है, फिनिशर लगाएगा डेमियन। नहीं भाई भाई फिनिशर अभी तक दोनों में से किसी ने भी नहीं यूज किया, और मैच आई थिंक ऑलमोस्ट 10 मिनट से ऊपर खींच चुका है। ओके तो फिनिशर लगा दिया है भाई, जे उसने इंस्टेंट रिकवरी का क्या यूज किया भाई, किक आउट कर दिया बिना रेजिलेंसी यूज किए, कैसे भाई। ये मैच कोडी और एजे वाले मैच से तो अभी तक तो बढ़िया ही जा रहा है, जे अंदर ही आ जाओ। ओके भाई खून का मतलब खून से लिया है। ओके ये भाई जे फिनिशर के लिए जा रहा था दोबारा, जे नहीं जे दोबारा जाना चाहिए फिनिशर, फिनिशर जे जे फिन भाई फिनिशर ही नहीं लगाया। ओके डीडीटी
भाई डेमियन भी नीचे चला गया, जे जितना टाइम लगा रहा है भाई, जे जितना टाइम लगा रहा है ना फिनिशर देने में, उस हिसाब से तो मैच रहेगा। इसी वजह से एजे स्टाइल्स है, क्योंकि गेम में तो ऐसा कि अगर फिनिशर नहीं दोगे तो मैच नहीं जीत पाओगे। ओके भाई यार अंतर जाओ, फोर हो गए हैं, टेन का काउंटर है। ओके जे लेकर जा रहे हैं अंदर, टॉस बैक इनटू द रिंग, जे फिनिशर, जे के पास दो दो फिनिशर हैं भाई, फिनिशर लगा क्यों नहीं रही है। ओके भाई डेमियन प्रीस्ट, ओके मुझे लगा फिर से नीचे जा रहे हैं, बट कॉर्नर में भाई अभी तो बनता है फिनिशर, स्पीयर, स्पीयर लगा दिया है। क्या जे मैं जीतेगा, वन टू, मुझे लग गया जीते भाई जे, उसो इज अ विनर एंड न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। गेम में बन चुके हैं जे उसो, भाई मेरे हिसाब से तो रियल लाइफ में भी बनना चाहिए था बंदे को, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने पता नहीं क्यों उसको हरा दिया भाई। आज तो मैच ऑलमोस्ट जीत ही चुका था, तो ठीक है गाइस इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी, अगर वीडियो बढ़िया लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो को लाइक कर देना, फिर दोस्तों का शेयर कर देना, मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।